तो हे गाइज, वेलकम अगेन। सो सिक्वलाइज की इस वीडियो सीरीज में, लास्ट वीडियो में जो है हमने सिक्वलाइज के बेसिक ओवरव्यू के बारे में जो स्टडी किया था, आई एज्यूम कि आपको वो पार्ट जो है क्लियर होगा। अब हम इनसे आगे बढ़ते हैं और सिक्वलाइज के कोर कंसेप्ट के बारे में जो है हम स्टडी करें। उनसे पहले जो है हम नोड जेएस के बेसिक कंसेप्ट के बारे में जो एक बार गो थ्रू करते हैं, अपने बेसिक कंसेप्ट को जो है थोड़ा सा गो थ्रू करते हैं, क्योंकि इस वीडियो सीरीज में देखो सिक्वलाइज जो है एक ORM टूल है MySQL का, और अगर हमें MySQL को किसी के साथ अगर काम करना है तो इसके लिए हमें बैकएंड का एक टेक्नोलॉजी चाहिए। और इस वीडियो सीरीज में मैंने नोड जेएस को जो है एज अ बैकएंड टेक्नोलॉजी चूज किया है, तो इसलिए हमें नोड जेएस का जो है बेसिक कंसेप्ट जो है हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से जो है हम नोड जेएस पे काम करते हैं, ताकि इन फ्यूचर कभी भी अगर मैं सिक्वलाइज के कंसेप्ट को बताऊँ नोड जेएस के अंदर, तो आपको वो चीज़ें जो है आसानी से समझ में आए। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इस वीडियो में मैं आपको नोड जेएस का जो भी बेसिक फंडा जो भी है फंडामेंटल्स, उन सारे को जो है कवर करने वाला हूँ। अगर आपको नोड जेएस के अंदर जो है बेसिक चीज़ें पता है कि हम API कैसे क्रिएट करते हैं, देन हमारा राउट्स क्या होता है, कन्फिग हम कहाँ पे करते हैं, उसके बाद फाइल स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है, इन्वायरमेंट क्या होता है, अगर ये सब चीज़ें अगर आपको पता है तो आप इस वीडियो को जो है स्किप करके नेक्स्ट वीडियो की तरफ जो है जंप कर सकते हैं। और अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं पता है, अगर कोई कन्फ्यूजन है इन सब चीज़ों में, तो आप इस वीडियो को जो है गो थ्रू करना, इसमें मैं आपको बेसिक कंसेप्ट जो है बता दूंगा। सो चलो बिना टाइम गवाए जो है मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सो इसके लिए यहाँ पे मेरे पास एक फोल्डर है, और उस फोल्डर को मैंने बेसिकली अपने VS कोड के अंदर जो ओपन किया है। सो सिक्वलाइज ट्यूटोरियल, इस फोल्डर या इस आने वाले सीरीज में जो भी हमारा वीडियो होने वाला है, उन सारे का कोड जो है आपको गिट पे मिलेगा विद ब्रांच। जो भी हमारा ट्यूटोरियल का टाइटल होगा उसके अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे आपको एक ब्रांच मिल जाएगा, उस ब्रांच से जो है आप अपने कोड को जो है गो थ्रू कर सकते हो। सो चलते हैं अब अपने मेन टॉपिक है। तो देखो नोड जेएस के अंदर जो है सबसे पहले हमें क्या करना होता है, अपने सर्वर को जो है क्रिएट करना होता है। और सर्वर को क्रिएट अगर करना चाहते हो तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट को जो है इनिट करना पड़ेगा, इनिशियलाइज करना पड़ेगा। सो अभी इनिशियलाइज कैसे करेंगे चलिए वो देखते हैं, लेकिन उनसे पहले आपके सिस्टम में जो है नोड जेएस डाउनलोड होना चाहिए। अगर आपके सिस्टम में नोड जेएस नहीं डाउनलोड है तो सिंपली आप गूगल या कहीं पे भी जाके, कोई भी ब्राउजर पे जाके जो है सिंपली सर्च करना नोड जेएस डाउनलोड, यहाँ पे आपको ये वेबसाइट मिलेगा। सो इसमें से जो है LTS जो वर्जन है वो आप डाउनलोड कर सकते हो, जो कि ज़्यादा सुटेबल है, ज़्यादा स्टेबल वर्जन होता है। तो आप अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग, जो भी आपका सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन है उसके अकॉर्डिंग जो है आप नोड जेएस को जो है डाउनलोड कर लोगे। अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इस समय करेंट वर्जन जो है आप देख सकते हो कि 21.7 है, मे बी अगर आप डाउनलोड करोगे तो उस समय ये वर्जन जो है चेंज हो जाएगा। सो इट्स अप टू यू कि ये नोड का वर्जन क्या हो रहा है। और अगर नोड का वर्जन चेक करना है तो आप यहाँ से जो है टर्मिनल ओपन करोगे, और आपको चेक करना है कि आपके सिस्टम में नोड है या नहीं। सो नोड स्पेस माइनस भी अगर करोगे तो आपके सिस्टम के अंदर अगर नोड होगा तो नोड का कौन सा वर्जन है, वो वर्जन जो है आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो पहला स्टेप तो आपको ये करना है, आई एज्यूम कि आपके सिस्टम में नोड जो है डाउनलोड है। अभी नेक्स्ट काम हमें क्या करना है कि अपने प्रोजेक्ट को जो है इनिशियलाइज करना है। सो इनिशियलाइज करने के लिए दो प्रोसेस है। सो आप क्या करोगे, npm init, और अगर npm init के बाद इंटर करोगे तो ये आपके प्रोजेक्ट का नाम, देन उसके लाइसेंस, देन अगर कोई गिट का रिपोजिटरी है वो सारे कंसेप्ट जो है जो भी क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चन पूछेंगे और उसका आंसर आपको फिल करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि ये सारे काम जो है नोड जेएस आपके लिए खुद करके दे, npm खुद करके दे, तो इसके लिए सिंपली आप क्या करोगे, npm init माइनस विच इज अ हाइफन और y करोगे, इंटर करोगे, तो ये ऑटोमेटिक आपके लिए जो है एक नोड जेएस के अंदर एक पैकेज डॉट जेसन नाम का जो है फाइल बनाएगा, जो कि हमारा इनिशियलाइज हो चुका है, नोड जेएस का जो है प्रोजेक्ट इनिशियलाइज हो चुका है। और इसको ओपन करोगे तो इसमें आपके प्रोजेक्ट का नाम, जो भी फोल्डर का नाम होगा उसके बेसिस पे, देन प्रोजेक्ट का क्या वर्जन है, कुछ डिस्क्रिप्शन अगर आप ऐड करना चाहते हो। मैन बेसिकली होता है कि हमारा जो फाइल है वो कहाँ से जो है स्टार्ट होने वाला है, सोर्स फाइल हमारा क्या है। सो ये बाय डिफॉल्ट जो है index.js है। सो अगर आप यहाँ पे कोई अदर फाइल बनाते हो तो उसके बेसिस पे भी जो है आप यहाँ पे बना सकते हो, देन स्क्रिप्ट वगैरह। सो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है आपको ये बना के दे देगा अगर npm init y करते हो। तो हमारा प्रोजेक्ट जो है इनिशियलाइज हो चुका है। सो अभी नेक्स्ट काम हमें क्या करना है कि हमें एक जो है यहाँ पे रूट फाइल बनाना पड़ेगा, जो कि मेरा मेन फाइल है। यहाँ पे आप चेक करोगे तो मेन फाइल जो है मेरा index.js है। आपके केस में index.js हो या app.js हो, दोनों में से कोई भी बना सकते हो। इन जनरल या तो हम app.js बनाते हैं या index.js बनाते हैं। सो यहाँ पे मैं app.js बना रहा हूँ। सो ये मेरा रूट फाइल है। और अगर आप package.json को अगर आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप इसको भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप लिख सकते हो app.js। सो आपका मेन फाइल जो है ये हो जाएगा। अब इस app.js के अंदर बेसिकली हमें अपने एक्सप्रेस को जो है
सेट करना होता है, आई मीन एक्सप्रेस के थ्रू जो है हमें एक सर्वर यहाँ पे बनाना होता है। सो अभी सर्वर बनाने के लिए सबसे पहले हमें जो है एक्सप्रेस को यहाँ पे डाउनलोड करना पड़ेगा, इन द सेंस डाउनलोड इन द सेंस इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो अगर आपने नोड पे काम किया है तो आपको पता होगा कि हम नोड जीएस के अंदर कई सारे लाइब्रेरी को यूज करते हैं, उसी में से एक लाइब्रेरी मेरा है एक्सप्रेस, जो कि हमें हेल्प करता है सर्वर बनाने के लिए। सो अभी एक्सप्रेस को कैसे डाउनलोड करेंगे, तो इसके लिए आपको गूगल पे आना है, सिंपली आप सर्च करना है npm express। सो कैसे डाउनलोड करना है और एक्सप्रेस को कैसे यूज करना है, हर एक चीज़ जो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो ये हमारा जो है एक्सप्रेस का npm ऑफिशियल है। सो यहाँ से आपको देखो इंस्टॉलेशन का कमांड मिल रहा है npm i express। सो npm इन द सेंस नोड पैकेज मैनेजर, जो कि हमें हेल्प करता है पैकेज को मैनेज करने के लिए। सो इस एक्सप्रेस को डाउनलोड करने के लिए सिंपली आप अपने नोड जेएस के प्रोजेक्ट के अंदर जो npm i करोगे तो आपका जो ये एक्सप्रेस है वो इंस्टॉल हो जाएगा और देन जो आप उस एक्सप्रेस को जो है यूज कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ। सो इस प्रोजेक्ट में मैं बहुत सारे जो है मे बी लाइब्रेरी पे काम करूंगा, तो वो लाइब्रेरी भी जो है आपको npm पे मिल जाएगा। सो वहाँ से आप जो है उस लाइब्रेरी के डॉक्यूमेंटेशन के बारे में जो है गो थ्रू कर सकते हैं। बाकी हम गो थ्रू करेंगे जब कभी भी हम कोई न्यू लाइब्रेरी के बारे में जो है रीड ऑन कर रहे होंगे। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, अपने टर्मिनल को ओपन करूंगा और यहाँ पे कंट्रोल वी npm i express इंटर करूंगा। थोड़ा सा टाइम लेगा आपके नेट के स्पीड के अकॉर्डिंग, ये जो लाइब्रेरी है एक्सप्रेस जो है वो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जो इंस्टॉल हो जाएगा। सो जैसे ही आप npm i express करते हो तो आपको जो एक नोड मॉड्यूल मिल जाएगा, या कोई भी अगर आप लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हो तो वो सारा लाइब्रेरी का जो भी कोड है वो नोड मॉड्यूल के अंदर जो आ जाएगा। और इस नोड मॉड्यूल को जो आप चेक करोगे तो कई सारा आपको इसमें फाइल मिलेगा। तो इसको कभी हमें ओपन करके देखने का भी नीड नहीं है, आप इसको जो है ऐसे भी छोड़ सकते हो। और यहाँ पे package.json पे आओगे तो देखो डिपेंडेंसी के अंदर जो एक्सप्रेस और एक्सप्रेस का कौन सा वर्जन है वो वर्जन जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो अभी आप इस अपने प्रोजेक्ट में कोई भी अगर आप अदर लाइब्रेरी यूज करते हो, जैसे इन फ्यूचर जो हम SQLize का लाइब्रेरी यूज करेंगे, तो उसका जो डिपेंडेंसी है जो लाइब्रेरी है वो हमारे इस डिपेंडेंसी के अंदर आएगा, और साथ के साथ उसका कौन सा वर्जन जो है यूज हो रहा है इस प्रोजेक्ट के लिए वो भी जो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अगर आपने नोटिस किया होगा तो यहाँ पे एक और हमारा फाइल है पैकेज लॉग डॉट जेसन, जो कि हमें हेल्प करता है अभी एक्सप्रेस भी जो है किसी दूसरे लाइब्रेरी पे डिपेंडेंट हो तो वो एक्सप्रेस कौन से लाइब्रेरी पे डिपेंडेंट है वो सारा चीज जो है इस पैकेज लॉग डॉट जेसन के अंदर जो होता है। सो अगर इस फाइल को अगर आप डिलीट भी कर देते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपके प्रोजेक्ट फिर भी चलेगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि पैकेज डॉट जेसन फाइल जो है डिलीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो है आपके प्रोजेक्ट का सारा डिपेंडेंसी होता है कि कौन सा लाइब्रेरी जो है यूज कर रहा है और वो लाइब्रेरी कौन से वर्जन को यूज कर रहा है। सो पैकेज लॉग अगर डिलीट होता है तो चलेगा, लेकिन पैकेज डॉट जेसन जो है डिलीट नहीं होना चाहिए। और साथ के साथ आप इस नोड मॉड्यूल जो इतना लंबा फाइल है और किसी भी प्रोजेक्ट में आप चेक करोगे तो नोड मॉड्यूल का जो है साइज काफी बड़ा होता है। सो इस फोल्डर को जो है आप डिलीट भी कर सकते हो, कोई इशू आपको नहीं आएगा। और इस फोल्डर को जो है डिलीट करके देन ही आप अपने प्रोजेक्ट को गिट वगैरह या किसी दूसरे को जो है शेयर करते हो। मान के चलो मैं आपको गिट पे जो भी कोड प्रोवाइड करूंगा वो नोड मॉड्यूल के अलावा होगा। सो आप जो है कोड डाउनलोड कर लिया, अब आपके अंदर जो वो नोड मॉड्यूल का फाइल होगा, देन ही आपका प्रोजेक्ट जो है रन करेगा। सो अभी उस फाइल को लाने के लिए आपके पास एक कमांड है npm i या npm install। इसके थ्रू क्या होता है कि आपका जो पैकेज डॉट जेसन है इसके अंदर जितने भी डिपेंडेंसी वो सारे डिपेंडेंसी विद देयर वर्जन, जैसे हमारे पास एक्सप्रेस है, एक्सप्रेस का ये वर्जन है। सो npm i करोगे तो एक्सप्रेस का ये वर्जन जो आपके अंदर जो इंस्टॉल हो जाएगा और नोड मॉड्यूल का जो फाइल यहाँ पे अगेन बन जाएगा। तो इस तरीके से जो हम फाइल शेयर कर सकते हैं अगर हमें किसी दूसरे डेवलपर को ये फाइल शेयर करना है। सो ये बेसिक काम है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं हम app.js पे। तो अभी हमें अगर सर्वर क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट करते हैं, तो सबसे पहले एक वेरिएबल बनाते हैं जो कि एक्सप्रेस होगा, और यहाँ पे मैं इंपोर्ट करूंगा किसको, तो एक्सप्रेस को। सो जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास कीवर्ड है, नोड के अंदर जो है कीवर्ड है रिक्वायर्ड, और इसके थ्रू जो है मैं अपने एक्सप्रेस को जो है इंपोर्ट कर सकता हूँ। सो अभी एक्सप्रेस जो है मेरा आ चुका है, और इस एक्सप्रेस को अगर आप यूज करना चाहते हो सो आप इसको यूज कर सकते हो। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक ऐप नाम का और वेरिएबल बनाता हूँ और सिंपली यहाँ पे करूँगा एक्सप्रेस, और इसको एज अ फंक्शन कॉल करोगे तो अब ऐप के अंदर जो है एक्सप्रेस का सारा फंक्शन या जो भी फीचर्स है वो सारा फीचर जो है आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट काम हमें करना होता है कि अपने सर्वर को जो है लिसन करना होता है। सो सर्वर को लिसन करने के लिए हमारे पास एक मेथड है जो कि एक्सप्रेस ही हमें प्रोवाइड कराता है। सो ऐप के अंदर मेरा एक्सप्रेस है, सो इसके पास एक मेथड है लिसन करके। सो लिसन जो है दो चीज़ें लेता है, वन इज दी एज अ कॉल बैक फंक्शन, सो वन इज दी पोर्ट नंबर। सो पोर्ट नंबर जो है मैं मान के चलो 3000 दे रहा हूँ।
आपको यहाँ पे वो पोर्ट नंबर देना है जो कि आपके सिस्टम में जो है कभी भी रनिंग नहीं होना चाहिए। और उसके बाद जो एक कॉल बैक फंक्शन लेता है जहाँ से मैं ये बता सकता हूँ कि ये जो मेरा सर्वर है वो लिसन हो चुका है। सो सर्वर इज लिसन एट पोर्ट, जो भी हमारा पोर्ट होगा उस पोर्ट पे जो है मैं इसको लिसन करवा सकता हूँ। सो इस तरीके से जो है हम यहाँ पे पोर्ट को जो है लिसन करते हैं। सो अगर अभी आप इस कोड को रन करोगे तो आपका जो सर्वर है वो स्टार्ट होगा और कौन से पोर्ट पे होगा, तो 3000 पोर्ट पे जो है आपका सर्वर लिसन होगा। अब नोड जेएस के अंदर अगर हमें कोई कोड रन करना है तो सिंपली उसके लिए हमारे पास जो है कमांड है नोड और देन जो आपका रूट फाइल है, आई मीन मैन फाइल है। सो मेरे केस में जो मेरा मैन फाइल है वो app.js है। तो यहाँ पे AWP लिखूंगा और टैप करूंगा तो ये पूरा पाथ लेगा और इंटर करोगे तो आपका जो सर्वर है वो लिसन हो जाएगा। देखो ये कंसोल जो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आई मीन आपका जो पोर्ट है वो लिसन हो चुका है। 3000 पे सर्वर जो है अब आपका चल रहा है। अगर इस सर्वर को किल करना है तो कंट्रोल सी करोगे तो आपका सर्वर जो है किल हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम सर्वर क्रिएट करते हैं, बेसिक काम है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी नेक्स्ट टर्म की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि होता है मैन इंपोर्टेंट, कि इस वीडियो सीरीज में जो हम फॉलो करने वाले हैं वो है हमारा फाइल स्ट्रक्चर। सो हमारा फाइल स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, चलिए उनके बारे में जो है एक बार बात करते हैं। सो इन जनरल इस वीडियो सीरीज में मैं फाइल स्ट्रक्चर जो फॉलो करने वाला हूँ वो हमारा होने वाला है MVC पैटर्न। सो अभी ये MVC पैटर्न क्या होता है, सो एम फॉर मॉडल, जहाँ पे जो है हम मॉडल क्रिएट करेंगे SQLize का। अभी ये मॉडल क्या होता है आपको नहीं समझ में आ रहा है, डोंट वरी हम कवर करेंगे। देन V फॉर व्यू, सो व्यू के अंदर जनरली हम अपने HTML को जो है शो कराते हैं, बट आज के टाइम में हम HTML के लिए जो है सर्वर साइड से रेंडर नहीं कराते, सर्वर साइड रेंडिंग नहीं कराते, तो ये व्यू जो है कभी हमारे इस प्रोजेक्ट में मे बी यूज नहीं आने वाला है। सो व्यू को हम छोड़ेंगे। और देन वन मोर चीज जो कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, C4 कंट्रोलर, जो कि हमारा मैन लॉजिक कंटेन करता है कि हमारा जो कंट्रोलर है, आई मीन हमें डेटाबेस से कोई डेटा लेके आना है, देन उस डेटा पे कोई काम करना है या कुछ भी, जो मैन लॉजिक है वो हमारा यहाँ पे होने वाला। तो ये MVC पैटर्न जो है हम फॉलो करने वाले हैं, जिसमें हमारा व्यू का तो कोई रोल नहीं है लेकिन M और C इस दोनों का जो है हमारा रोल होने वाला है। सो M फॉर मॉडल, जहाँ पे हम मॉडल डिफाइन करेंगे SQLize का, और C4 कंट्रोलर, जहाँ पे जो है हमारा लॉजिक होने वाला है। और कुछ और फाइल बनते हैं जिनके बारे में जो है मैं अभी बताने वाला हूँ। सो फाइल स्ट्रक्चर आपको पहले क्लियर होना चाहिए। सो सबसे पहला जो हमारा फाइल यहाँ पे बनेगा, ठीक है, यहाँ पे मैं फोल्डर बना के दिखा रहा हूँ कि कौन कौन से फोल्डर पे हम काम कर रहे होंगे इस वीडियो सीरीज में। सो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा फाइल होगा एक होगा हमारा कन्फिग का, जहाँ पे जो है हम कन्फिगेशन करेंगे। अभी कन्फिगेशन किसका होगा, तो अभी SQLize को जो है SQLize के थ्रू हम अपने MySQL को जो है कनेक्ट करेंगे, MySQL को जो है कनेक्ट करेंगे, तो वो काम जो है हम करेंगे config.js के अंदर। सो config के लिए जो है एक अलग से फोल्डर बनाएंगे और उसके अंदर जो है हमारा जो भी कन्फिगेशन का काम होगा, मे बी अभी आप सिंपल से प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो आपका MySQL ही कनेक्ट होगा, मे बी आप बड़े से प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो बड़े से प्रोजेक्ट पे क्या होता है, मल्टीपल डेटाबेस जो है कनेक्ट होता है और कई सारे जो है कन्फिगेशन करना होता है, तो उन सारे का कोड जो है हमारा इसी कन्फिगर के अंदर जो होगा। सो कन्फिग फोल्डर का काम ये होगा। देन एक फोल्डर और हम बनाएंगे जो कि मॉडल का होगा, मॉडल के अंदर हम SQLize का जो भी मॉडल हमें प्रिपेयर करना होगा वो हम प्रिपेयर करेंगे। और देन एक फोल्डर और हमें बनाना है जो कि होगा मेरा कंट्रोलर। सो कंट्रोलर बेसिकली कंट्रोल करेगा, अभी इसका यूज क्या है, कैसे काम करता है, वो सारा कुछ जो मैं आपको बताऊंगा आने वाले कुछ समय में। सो ये हमारा एक कंट्रोलर होने वाला है। और आफ्टर दैट एक और इंपॉर्टेंट चीज़ हम यहाँ पे यूज करेंगे जो कि हमारा होगा मिडलवेयर। सो मिडलवेयर का क्या काम होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो एक मेरा मिडलवेयर होगा इस प्रोजेक्ट के लिए, हम इस वीडियो सीरीज में कभी भी अगर कोई प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो ये सारे फोल्डर जो हमें नीड लगने वाला है। मिडलवेयर का काम है कि आपके डेटा को जो है वैलिडेट करना। सो मान के चलो यूजर जो है कई बार कोई डेटा जो है देता है, जैसे अगर आप यूजर साइनअप के लिए अगर आप API बना रहे हो तो साइनअप के समय जो यूजर का फर्स्ट नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, लास्ट नेम, ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आएगा। सो उन डेटा को जो है DB में स्टोर कराने से पहले जो है आप वैलिडेट करोगे कि जो नेम है वो बेसिकली मिनिमम 3 कैरेक्टर का होना चाहिए, मैक्सिमम इतने कैरेक्टर का होना चाहिए, ये सारे वैलिडेशन आप लगाते हो। तो वो वैलिडेशन का जो काम है वो बेसिकली हम करेंगे मिडलवेयर के अंदर। अभी इस मिडलवेयर के अंदर इन जनरल हम जॉय वैलिडेशन के बारे में बात कर रहे होंगे। जॉय वैलिडेशन कैसे काम करता है, क्या है, उनके बारे में भी जब हम काम करेंगे आपको पता चलेगा। अभी फिलहाल हमें फोल्डर स्ट्रक्चर को देखना है। मिडलवेयर हो गया। एक और चीज़ हम यहाँ पे यूज करेंगे अपने कोड को और मॉडलर सेपरेट करने के लिए, जो कि हमारा होने वाला है राउट्स। राउट्स बेसिकली क्या होगा,
जो हमारा एक्सप्रेस का राउट्स होते हैं, अगर मान के चलो आपके प्रोजेक्ट में मॉड्यूल है, डिफरेंट मॉड्यूल है, आई मीन यूजर के लिए एक अलग मॉड्यूल है, देन एडमिन के लिए अलग मॉड्यूल है, तो उन सारे को जो है मॉड्यूल वाइज जो है एक हम राउट्स क्रिएट करेंगे। सो राउट्स का जो काम होगा बेसिकली मॉड्यूल वाइज जो है सेपरेट करना कि अगर हमें इस तरीके का API आएगा तो कौन से राउट्स के पास भेजना है, वो चीज़ें हैंडल करेगा राउट्स। तो राउट का मेन काम है कि कोई अगर पाथ आ रहा है तो उस पाथ को कहाँ पे भेजना है। सो हम सेपरेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम एक ही जगह जो है हम बोलेंगे कि अच्छा ये पाथ आ रहा है तो इसको इधर भेजो देन उसके नीचे। उससे बेटर ऑप्शन है कि हम राउट्स नाम का एक फोल्डर बनाएं और इसके अंदर जो है जो भी हमारा कोड होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। सो हम राउट्स का भी यूज करने वाला है, और एक और फोल्डर आप जो है चाहो तो बना सकते हो विच इज अ सर्विस। सो सर्विस के थ्रू भी जो है आप काम कर सकते हो, बट मैं इन जनरल सर्विस का काम जो है कंट्रोलर के अंदर ही करता हूँ। अगर आप चाहो तो सर्विस का एक और फोल्डर बनाओगे, सर्विस के अंदर जो है बेसिकली आपके DB से कोई डेटा आ रहा है या आप डेटा जो है इंसर्ट कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो, कुछ भी जो भी DB के रिलेटेड काम होगा वो काम जो है आप सर्विस के अंदर जो है ऐड कर सकते हो। मेरे केस में मैं जो है सारा कोड जो है कंट्रोलर के अंदर जो है लिखने वाला हूँ। सो आई होप आपको जो है ये फोल्डर स्ट्रक्चर समझ में आया होगा कि जो हम फोल्डर स्ट्रक्चर फॉलो करने वाले हैं। अभी इस फोल्डर स्ट्रक्चर को जो है थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज करते हैं, इसमें थोड़ा सा जो है कुछ और आगे हम बढ़ाते हैं। सो यहाँ पे मैं एक सिंपल सा जो है मान के चलो एक पोस्ट API बनाने वाला हूँ। सो हमारे पास मेथड होता है HTTP का मेथड, सो हम API में यूज करते हैं। सो गेट पुट पोस्ट डिलीट पैच ऐसे मेथड होते हैं। अगर आपको मेथड का कंसेप्ट नहीं पता है तो आप गूगल पे गो थ्रू कर सकते हो। सो बेसिक मेथड का कंसेप्ट है जिसके थ्रू जो हम API क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे एक मैं पोस्ट मेथड जो है क्रिएट करने वाला हूँ जो कि हमारा यूजर को मान के चलो रजिस्टर करा रहा है या साइन अप करा रहा है जो भी है। सो उसको अगर हमें Node.js के अंदर करना है तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंट्रोलर। सो कंट्रोलर के लिए जो है मैं यहाँ पे एक सिंपल कंट्रोलर बनाता हूँ मान के चलो जो यूजर को कंट्रोल करेगा, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। यूजर कंट्रोलर .js नाम का एक मेरा फाइल होगा, ठीक है। अब मान के चलो यूजर के लिए हम जो भी लॉजिक लिखेंगे वो सारा कोड जो है हमारा इसी कंट्रोलर के अंदर आएगा। अगर एडमिन के लिए अगर आपको कोई कंट्रोलर लिखना है तो उसके लिए एक अलग से फाइल बनाऊं और वो फाइल जो है हमारा कंट्रोलर के अंदर आएगा। सेम उसी तरीके से अगर आपको कुछ और काम करना है उनके लिए अगर कोई लॉजिक बनाना है तो वो जो है आप यहाँ पे इस कंट्रोलर के अंदर जो है लिखने वाले हो। तो कंट्रोलर जो है हमारा सेपरेट होना चाहिए हर एक के लिए। अगर एडमिन कर रहे हो तो एडमिन का एक अलग कंट्रोलर होगा, यूजर कर रहे हो यूजर का एक अलग होगा। सेम जो अगर मान के चलो ऑथ के लिए आप काम कर रहे हो तो ऑथ का एक अलग कंट्रोलर होगा। तो ये डिपेंड करता है, फिलहाल अभी हमें समझना है। तो एक यूजर कंट्रोलर बनाते हैं और इस यूजर कंट्रोलर के अंदर जो है मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जो कि यूजर को जो है इंसर्ट कराएगा डेटाबेस में, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। सो इंसर्ट के लिए जो है मैं एक फंक्शन बनाऊंगा। सो सब यहाँ पे मैं एरो फंक्शन यूज कर रहा हूँ। आप चाहो तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो फंक्शन रेगुलर फंक्शन है उसको भी यूज कर सकते हो। सो फिलहाल मैं यहाँ पे एरो फंक्शन यूज कर रहा हूँ। लेट्स सी जो मेरा इंसर्ट नाम का एक फंक्शन है। सो ये मेरा फंक्शन हो गया एरो फंक्शन। और Node.js के अंदर कोई भी अगर फंक्शन है तो उसके पास जो है तीन चीज़ें अवेलेबल होता है, वन इज़ द रिक्वेस्ट, वन इज़ द रिस्पॉन्स और वन इज़ द नेक्स्ट। सो नेक्स्ट क्या करता है, नेक्स्ट मिडलवेयर को जो है कॉल करने का काम करेगा। सो लेट्स अज्यूम आप एक राउट के अंदर जो है मल्टीपल मिडलवेयर को जो है कॉल करते हो, तो ये नेक्स्ट के थ्रू जो है हम नेक्स्ट मिडलवेयर को जो है कॉल कर सकते हैं। फिलहाल हमें यहाँ पे नेक्स्ट की नीड नहीं है तो हम रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के साथ जो है जाते हैं। रिक्वेस्ट के अंदर जो है अगर कोई क्लाइंट अगर आपको कोई डेटा भेज रहा है वो डेटा जो है आप रिक्वेस्ट के अंदर ले सकते हो, और रिस्पॉन्स के थ्रू जो है आप अगर क्लाइंट कोई डेटा जो है भेजा है तो उसको कुछ रिस्पॉन्स आप रिटर्न करोगे तो इस रिस्पॉन्स के थ्रू जो है आप उस रिस्पॉन्स को जो है सेंड कर सकते हो। सो लेट्स अज्यूम यूजर जो है फर्स्ट नेम या लास्ट नेम जो है या ईमेल आईडी ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है एज अ बॉडी, बॉडी के थ्रू जो है आपको ये यूजर दे रहा है। तो इसको हम डीस्ट्रक्चर करेंगे कुछ इस तरीके से। सो जैसे अगर फर्स्ट नेम है सो फर्स्ट नेम, देन अगर लास्ट नेम भी है तो लास्ट नेम, देन ईमेल है तो ईमेल और पासवर्ड है तो वो, देन इसको करेंगे रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट के अंदर आपको कहाँ से मिल रहा है, अगर बॉडी से मिल रहा है तो यहाँ पे आप बॉडी करोगे, अगर पैरम से मिल रहा है तो आप पैरम करोगे। तो अभी ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी है वो आ गया। अब इसको जो है आपको डीबी के अंदर जो है इंसर्ट करना है। तो फिलहाल अभी हमारे पास डीबी का कोई कंसेप्ट नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, अभी इंसर्ट नहीं करता, मैं डायरेक्ट रिस्पॉन्स भेज देता हूँ सक्सेसफुली इंसर्टेड, ऐसा मैं इंसर्ट करूंगा, लेकिन कैसे करना है वो हम बाद में देखते हैं। फिलहाल हम इसको क्या करते हैं, रिस्पॉन्स भेजते हैं। तो रिस्पॉन्स भेजने के लिए आप जो है यहाँ पे यूज कर सकते हो रिस्पॉन्स डॉट सेंड नाम का आपके पास मेथड है, और इस सेंड के थ्रू जो आप अपना रिस्पॉन्स भेज सकते हो। और अगर रिस्पॉन्स को एज ए जेसन भेजना चाहते हो तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और इस जेसन के अंदर जो आप अपना जेसन भेज सकते हो। जैसे मेरा जेसन जो है मैसेज होने वाला है, मैसेज क्या है, यूजर
इंसर्टेड, ये यूजर जो है मतलब मैंने मैसेज भेजा है जेसन कि यूजर जो है सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है। उसके साथ साथ आप यहाँ पे स्टेटस कोड भी जो है भेज सकते हो, अगर रिस्पांस के साथ अगर आपको स्टेटस कोड भेजना। सो अगर यूजर सक्सेसफुली अगर इंसर्ट हो रहा है तो उन केसेस में मेरा स्टेटस कोड जो है वो 200 का होगा, सो 200। और अगर कोई एरर वगैरह आता है तो इसके लिए जो स्टेटस कोड है वो आप यहाँ से इस तरीके से भेज सकते हो। तो यहाँ पे आप मल्टीपल जो है फंक्शन बना के उस यूजर कंट्रोलर के अंदर जो भी काम करना है वो काम जो कर सकते हो। फिलहाल मैंने यहाँ पे इंसर्ट बनाया, अब इंसर्ट को जो है मुझे क्या करना होगा, एक्सपोर्ट करना होगा ताकि इसको मैं किसी दूसरे फाइल में जो है यूज कर सकूँ। सो एक्सपोर्ट करने के लिए हम यूज करेंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, और इसको इस तरीके से एज जो जेसन जो है मैं यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। तो इंसर्ट, अब ये जो इंसर्ट है वो हमारा एक्सपोर्ट हो चुका, अब इसको हम अपने प्रोजेक्ट में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। अब इस कंट्रोलर के अंदर जो लॉजिक मैंने लिखा है इसको हम यूज कहाँ पे करेंगे, तो ये यूज करेंगे हम राउट के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पे राउट के अंदर मैं एक और फाइल बनाता हूँ, विच इज अ राउटर डॉट जे एस, और यहाँ पे राउटर जो है मैं किसका यूज करने वाला हूँ, तो एक्सप्रेस का जो हमारा राउटर है उसको मैं यहाँ पे यूज करूंगा। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक राउटर बना लेता हूँ। राउटर बनाना सिंपल है, एक्सप्रेस के अंदर सबसे पहले आप एक्सप्रेस को इंपोर्ट करो। सो ये मैंने इंपोर्ट कर लिया, देन जो है एक राउटर बनाऊँ। सो राउटर बनाने के लिए आप एक वेरिएबल बनाओगे और एक्सप्रेस के पास एक मेथड है राउटर करके। सो यहाँ पे आप चेक करोगे राउटर और इसको एज ए मेथड कॉल करोगे तो राउटर बन चुका है। अब इस राउटर के थ्रू जो है आप अपने HTTP मेथड को जो है हैंडल कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, राउटर डॉट, इस समय मेरा जो मेथड है वो क्या होने वाला है, पोस्ट मेथड होने वाला है, पोस्ट। और देन जो है आप यहाँ पे अपना पाथ दोगे कि कौन से पाथ पे आप यूजर को इंसर्ट कराने वाला हो। तो मान के चलो यहाँ पे रजिस्टर नाम का मेरा वो पाथ है, और अगर रजिस्टर नाम का कोई पाथ आएगा तो उसको कौन से कंट्रोलर के पास भेजना चाह रहे हो, तो मैं चाह रहा हूँ कि इंसर्ट नाम का मैंने अभी एक कंट्रोलर बनाया है। सो यहाँ पे देखो इसको करूँगा तो ये इंपोर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। इस तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कंसेप्ट आपको पहले से पता होगा, और यहाँ पे इंसर्ट। सो जब कभी भी अगर रजिस्टर नाम का कोई राउट आता है तो वो जो इस मेथड के अंदर जो है जाएगा। अब इस राउटर को जो हमें एक्सपोर्ट करना होगा यहाँ से, और इसको यूज करना होगा app.js के अंदर। सो यहाँ से मैं क्या करूँगा, module.export, और यहाँ पे मैं करूँगा राउटर, इससे जो है मैंने एक्सपोर्ट किया। अब इस राउटर को जो हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, यूज कहाँ पे करेंगे, app.js के अंदर, क्योंकि मेरा ऐप जो है यहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ऐप डॉट, और मैं यहाँ पे यूज नाम का जो है जो हमारा मेथड है इसको यूज कर सकता हूँ। तो यूज मेथड बेसिकली क्या करता है, इसके अंदर जो है आपका कोई भी HTTP मेथड रिक्वेस्ट आते हैं वो सारे जो है एक्सेप्ट करेगा, चाहे वो गेट हो, पोस्ट हो, पुट हो, पैच हो, डिलीट हो, जितने भी मेथड है वो यूज के अंदर जो है कवर हो जाता है। तो मैं यहाँ पे यूज करूँगा, और मेरा पाथ क्या होने वाला, तो सिंपल स्लैश देता हूँ कि लोकल होस्ट स्लैश, और देन हम कॉल किसको करेंगे, तो राउटर नाम का मैंने अभी एक वेरिएबल बनाया जो कि हमारा राउटर डॉट जेएस के अंदर है, तो इसको मैं कॉल करूँगा। सो क्या होगा, अभी जो मेरा इंसर्ट का जो पूरा पाथ है वो क्या होगा, लोकल होस्ट जो भी है वो, और देन 3000 और स्लैश, देन जो है रजिस्टर। सो रजिस्टर और इसका मेथड जो है हमारा क्या होने वाला है, पोस्ट मेथड होगा। सो पोस्ट मेथड के थ्रू जो है अगर हम इस API को कॉल करेंगे तो वो राउटर से जो है डायरेक्ट इंसर्ट के पास जाएगा, और यहाँ पे जो भी हमें लॉजिक लिखना है वो लॉजिक जो हम लिखेंगे, ठीक है। सो ये हमारा जो है फॉलो होने वाला है। लेकिन एक और चीज़, यहाँ पे मैं राउटर पे आऊँ तो यूजर को जो है इंसर्ट करा रहे हैं उनसे पहले हमें यूजर को जो है वैलिडेट करना होगा। सो वैलिडेट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया है विच इज अ मिडलवेयर। सो इसमें जो है मैं एक और फोल्डर बनाऊंगा, मे बी यहाँ पे मैं यूजर वैलिडेट ऐसा कर सकता हूँ, यूजर वैलिडेट डॉट जेएस नाम का एक फोल्डर बनाऊंगा, और यहाँ पे जो है मैं अपने यूजर को जो है वैलिडेट करूंगा। और इस वैलिडेट को जो है मैं कहाँ पे यूज कर सकता हूँ, तो इस राउट के अंदर जो यूज कर सकता हूँ एज ए मिडलवेयर। सो वो काम जो है हम कभी और करेंगे जब भी हम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे, तो वहाँ पे वो चीज़ें जो है आपको समझ में आ जाएगा। वहाँ पे ये कुछ फैंसी चीज़ें नहीं है, आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा। सो ये था हमारा बेसिक ओवरव्यू, जहाँ से जो है हम अपने बेसिक API को जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने आपको एक सिंपल जो है API क्रिएट करके सिखा दिया कि कैसे हम API क्रिएट करते हैं। आपका काम क्या है कि आप जो है CRUD ऑपरेशन को जो है फॉलो कर सकते हो। सो CRUD इन द सेंस C4 क्रिएट, सो DB में इन जनरल हम CRUD ऑपरेशन यूज करते हैं, R4 रीड, देन U4 अपडेट, सो अपडेट, और D4 डिलीट, सो डिलीट हमारा ये जो काम है ये कर सकते हैं। तो इस CRUD ऑपरेशन को एक बार खुद से ट्राई करना। आई नो कि अभी आपके पास DB का कोई कनेक्शन है, तो आप नॉर्मली Node.js के अंदर जो है हम कैसे CRUD ऑपरेशन को जो है यूज करेंगे, यूजिंग दिस आर्किटेक्चर, ये हमारा जो है फोल्डर स्ट्रक्चर है,
और इसके बेसिस पे हमें जो है अपने स्क्रड ऑपरेशन को जो है काम करना है। तो कैसे करना है ये आप एक बार खुद से ट्राई करना। जब हम प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो आई थिंक ये चीज़ें आपको और भी जो है क्लियर हो जाएगा कि ये क्रड ऑपरेशन हम कैसे काम करते हैं और क्या चीज़ें हैं जो कि हम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज़ें जो है आपको इस वीडियो सीरीज में और भी आगे देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी आपको जो है ये बेसिक आइडिया समझ में आ गया होगा कि नोट जीएस पे जो है हम कैसे काम करते हैं। सो इसको जो है गो थ्रू करना एक बार खुद से। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम एक्चुअल सिक्वलाइज के कंसेप्ट के बारे में जो है गो थ्रू करने वाले हैं, एक्चुअल सिक्वलाइज पे जो है हम काम करने वाले हैं। सो मैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ूँ उनसे पहले एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि आपके सिस्टम के अंदर जो है माई एसक्यूएल नाम का जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल होना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो सीरीज में मैं उसी के थ्रू आपको सिक्वलाइज के जो भी कंसेप्ट है उसको गो थ्रू करवाने वाला हूँ। सो वो जो है आपके अंदर इंस्टॉल होना चाहिए। नोट जेएस ऑलरेडी इंस्टॉल है, वीएस कोड ऑलरेडी इंस्टॉल है, देन दैट्स इट, इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं जहाँ पे जो है हम इनसे आगे के टर्म्स के बारे में बात कर रहे होंगे।